अभी तक आपने फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे होंगे, लेकिन ये हकीकत है बीकानेर के नोखा की। बदमाशों ने एटीएम को गाड़ी से बांधा और रोड पर खींच लाए। इन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा है और हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। पहले इन्होंने कैमरे पर स्प्रे किया ताकि लूट की वारदात रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद बेखौफ बदमाशों ने एटीएम को एक मोटी चेन से अपनी गाड़ी से बांधा। गाड़ी चलाते ही झटके से एटीएम घिसटता हुआ सड़क पर आ गया, लेकिन गनीमत रही कि पास में ही रहने वाले बाबू की नींद खुल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद बदमाश भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आए और एटीएम को अपनी गाड़ी में रखने की कोशिश करने लगे। तब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए बदमाशों को दोबारा खाली हाथ ही भागना पड़ा। बैंक अधिकारियों की माने तो एटीएम में 18,70,300 रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।